नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ASR SSC गुरु बिहार यूनिवर्सिटी, या फिर जिसको बोला जाता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि मुजफ्फरपुर में है। तो इसका पार्ट वन का परीक्षा का डेट शीट फिर से जारी किया गया। 24 जनवरी से यह परीक्षा लिया जाएगा। पहले इसका डेट शीट बताया गया था आपको कि 17 जनवरी से होगा, और इससे भी पहले बताया गया था आपका कि 10 तारीख को परीक्षा लिया जाएगा 10 जनवरी से। लेकिन ये दोनों डेट शीट को यहाँ पर पोस्टपोन करते हुए इस बार बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से नया डेट शीट जारी किया गया और बताया गया है कि 24 जनवरी से आपका परीक्षा लिया जाएगा। 24 जनवरी 2019 से यह परीक्षा होगा। इसका डेट शीट जारी हो चुका है। इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे, वहां से आप जाकर इस डेट शीट को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका जो नया डेट शीट है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम होगा इसका डेट शीट को लेकर, क्योंकि पार्ट वन का परीक्षा है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही वीडियो बना के प्रोवाइड करा था कैसे आपको डेट शीट को समझना है। तो उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराएंगे, उस वीडियो को देख करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं कैसे आपको यहाँ पर ऑनर्स को फाइंड करना है। फिर भी यहाँ पर हम इस वीडियो में आपको शॉर्ट में अपडेट देंगे। और सबसे पहली बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनली वीडियो हम अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप पे एक एक लाइक से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलता है और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 जनवरी से यह परीक्षा का स्टार्ट है, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, पार्ट वन की परीक्षा डेट शीट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्लियरिटी के साथ आप देख सकते हैं 24/1/2019 से परीक्षा स्टार्ट है। ग्रुप ए बी सी इस तरह से ग्रुप को बांटा गया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, शॉर्ट में आपको बताते हैं। तो अगर आप ऑनर्स का एग्ज़ाम देने के लिए डेट फाइंड कर रहे हैं कि मेरा कौन सा डेट में परीक्षा होगा अपने ऑनर्स के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट दिख रहा है उसमें आपको अपने सब्जेक्ट को फाइंड करना है। और उससे पहले दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको रूटीन समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, सब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है उसके बगल में यहाँ पे आपका एक ग्रुप दिख रहा है, यानी कि ग्रुप और सब्जेक्ट ये दोनों चीज़ें में आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट है। तो अगर आपका सपोज दैट कि आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है, तो यहाँ पर केमिस्ट्री दिख रहा होगा ग्रुप बी में है, तो ग्रुप बी आपको पता चलेगा कि मेरा ऑनर्स ग्रुप बी में है। अब आपको तुरंत यहाँ पर आ जाना है ये डेट शीट को लेकर, जो टाइम टेबल यहाँ पे दिया गया है, ये पहला सेटिंग का है या दूसरा सेटिंग का है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, जो पहला सेटिंग है उसमें आपको ग्रुप बी देखना है, या फिर दूसरे सेटिंग में। तो जहाँ पे आपको ग्रुप बी देखेगा सबसे पहले में, वहीं पे आपको पहला परीक्षा देना पड़ेगा जाकर के, ठीक है, और उसी टाइम पे जाके देना पड़ेगा, ठीक है, अपने सेंटर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको ग्रुप बी देखना है। तो अगर हम 24 तारीख को देखें तो ग्रुप ए का एग्ज़ाम है फर्स्ट सेटिंग में, लेकिन ग्रुप बी में देखें तो यहाँ पर आपका दूसरा सेटिंग में ग्रुप बी का परीक्षा हो रहा है दोस्तों। तो यानी कि 24 तारीख को केमिस्ट्री वाले का परीक्षा होगा, और हर एक सब्जेक्ट का दो परीक्षा लिया जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑनर्स का दो परीक्षा आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर ग्रुप बी का एग्ज़ाम 24 तारीख को सेकंड सेटिंग दे देते हैं, तो फिर आपको देखना है कि ग्रुप बी कहाँ लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ ग्रुप बी लिखा होगा उस डेट में आपको जाकर के परीक्षा उस टाइम में जाकर देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि ये आपका ऑनर्स का ग्रुप था, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट को सबसे पहले ग्रुप में फाइंड कीजिएगा, और जहाँ जहाँ वो ग्रुप का नाम लिखा होगा ए बी सी डी ई एफ जिसके अंदर का भी आपका सब्जेक्ट आएगा, उस ग्रुप में यहाँ पर फाइंड कीजिएगा, दोनों में फर्स्ट सेटिंग सेकेंड सेटिंग में जहाँ भी आपको वो ग्रुप दिखेगा ए बी सी डी जो भी आपका होगा, उस टाइम टेबल पर जाकर के आपको परीक्षा देना पड़ेगा। आप अपने माइंड में सिर्फ यही बैठा लो और सबसे पहले फाइंड कर लो, उसके बाद आप अपना डेट भी नोट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे सब्सिडरी और जनरल वाले स्टूडेंट होगा, तो इसमें आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो सेटिंग दिया गया, फर्स्ट सेटिंग और सेकेंड सेटिंग। फर्स्ट सेटिंग का टाइमिंग दिया गया 9 बजे से 12 बजे तक, और सेकेंड सेटिंग का टाइमिंग दिया गया 1 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें पहला सेटिंग में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है एक फरवरी से आपका परीक्षा स्टार्ट है, और 8 मार्च तक आपका ये परीक्षा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाकर के परीक्षा दे देना है दोस्तों। यहाँ पे कुछ भी आपको ग्रुप वगैरह फाइंड नहीं करना है, आपका जो भी सब्सिडरी में ऑनर्स होगा या फिर जनरल होगा, जो भी आपका परीक्षा होगा यहाँ पे, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाकर के आपको दे देना है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स अगर आपका सब्सिडरी में होगा तो 4 तारीख को परीक्षा हो जाएगा। अगर आपका जनरल प्रोग्राम जो होता है, एक अलग ही एक तरह से पढ़ाई होता है, उसका अलग ही कोर्स होता है, तो उसमें कोई ऑनर्स नहीं होता है, उसका 5 सब्जेक्ट फिक्स होता है। तो यहाँ पे वो भी स्टूडेंट डायरेक्टली उसी टाइम में एग्जाम जाकर के देंगे जिसका यहाँ पे सब्जेक्ट जिसके टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो मेरा सिंपली कहने का मतलब क्या है कि ये वाले डेट शीट में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली सब्जेक्ट अपना फाइंड करना है, जो सब्जेक्ट आपके पास सब्सिडरी में होगा उसके डेट के अनुसार जाकर के परीक्षा दे देना है। और सबसे महत्वपूर्ण आपका ये है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड करना है, सब्जेक्ट कौन सा ग्रुप में आ रहा है वो देखना है, फिर ग्रुप कौन सा सेटिंग में आ रहा है, कौन कौन
कौन से दिन में आ रहा है, फिर वो देख करके परीक्षा आपको देना दोस्तों। ये शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन था। अगर आप पूरा क्लियरिटी के साथ जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो लिंक दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जा करके आप इसको डाउनलोड कीजिए। और जो लिंक दिया गया एक और लिंक वीडियो देखने के लिए, वहाँ पर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं दोस्तों। सब कुछ यहाँ पर बताया गया, आप देख सकते हैं क्लियरिटी के साथ। और कुछ भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे, और आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और फिर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो हम अपने चैनल में प्रोवाइड कराते हैं, आप तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक पहुंच जाए, और जो भी हम इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर करें आपके पास अच्छे से चला जाए।